नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिवहन विभाग ने दूसरे हफ्ते में वसूला 4,92,000 का कर, 160 वाहनों के काटे चालान। न्यास विभाग के रेस्ट हाउस में एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, मानसून पर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और हथकर शराब को बेचने जा रहे एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 लीटर अवैध शराब सहित युवक गिरफ्तार। भिवाड़ी में शिव मंदिर से अमरनाथ में भंडारा हेतु सामग्री भिजवाई गई, जिसमें मंदिर सदस्यों के साथ स्थानीय लोग ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। शिवसेना ट्रस्ट भिवाड़ी ने हर वर्ष की तरह अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारा करने वाली संस्थाओं के पास भंडारा सामग्री भिजवाई है। भंडारा सामग्री में सेवा ट्रस्ट के अलावा अन्य दानदाताओं ने हिस्सा लिया। बुधवार को भंडारा सामग्री से भरे ट्रक को शिव मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें शिवसेना समिति अध्यक्ष निजाराम सहित पार्षद विजय पटेल, सेक्रेटरी कमल मदान, निर्मल दास, पार्षद विजय शर्मा, विकास रस्तोगी, परमानंद मित्तल, राकेश गुप्ता और जय गोयल भारद्वाज सहित काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। के लिए भिजवा रहे हैं, ये अमरनाथ के लिए भंडारे के लिए सामान जा रहा है, सब भाइयों ने दिया है और हर साल जाता रहता है। लगभग कितने सालों से आप ये? मेरे ख्याल 10-12 साल तो हो गए होंगे, 8 साल से जा रहा है। शिव मंदिर के अलावा कोई अन्य संस्था भी आपने बना रखी, जिस संस्था के थ्रू ये जा रहा है? शिव मंदिर सेवा ट्रस्ट के नाम से है, भिवाड़ी के पीठाधीश है, उसके हम अध्यक्ष हैं। UIT के कई मंदिर हैं, उसके हम चेयरमैन हैं। प्रोग्राम सब जगह होते रहते हैं अपने अपने, बाकी यहाँ का प्रोग्राम तो हर साल जा रहा है, 8 साल से लगातार कंटिन्यू जा रहा है सामान अमरनाथ के भंडारे के लिए। हाँ, भंडारे के लिए 2 महीने भंडारा चलेगा और 2 महीने के लिए भंडारे के लिए जितना भी हो सकता है सामान ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ से भिजवाते हैं। नाम में लिख देना, स्थानीय लोगों का क्या इसमें सहयोग है? स्थानीय लोगों का इतना सहयोग है, देखो ना, अब जो जिससे जो कहते बेचारे, अब इसने 7 भिजवाए, 4 और भिजवा दिया, आज 11 कर दिए, इसने 7 कैसे 11 कर दिए। मैं तो इसके मामले में ये श्रीमान जी को बधाई दूंगा और हमारे नीचाराम जी को बधाई दूंगा। ये हर साल की भांति, इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने बाबा अमरनाथ के जब भी वहाँ भंडारा सामग्री भेजते हैं और ये लोगों के साथ, सभी के साथ, एक एक अपने जितने भी इनके मिलने वाले हैं उनके पास जाकर और सभी को इसके लिए प्रेरित करते हैं, जितना जितना हो सकता हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान भेजने की यहाँ से कोशिश करते हैं। उसमें चावल हो गया, रिफाइंड हो गया, देसी घी हो गया, आटा हो गया, दाल हो गई, राजमा हो गई, सभी सामान लगभग पूर्ण सामग्री यहाँ से जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हर बार जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सामग्री ये करवाते हैं। ये किसके हैंड ओवर करते हो आप? स्पेशल वहाँ जाके संस्था की तरफ से भंडार होते हैं, किसी अन्य संस्था को आप हैंड ओवर करते हो? शिव शक्ति सेवा समिति हमारी एक रजिस्टर्ड संस्था है, वो वहाँ हर साल की भांति हर साल वहाँ पर एक भंडारा करती है यात्रियों के लिए और उसमें प्रॉपर ये सामान जो यहाँ से भी जाता है, दिल्ली से भी जाता है, तो भिवाड़ी से पिछले 8 साल से कंटिन्यू नीचाराम जी के सानिध्य में। जानना चाहूँगा, मैं शिव शक्ति सेवा समिति का संस्थापक हूँ और अमरनाथ पे भंडारा लगाता हूँ 8 साल से। भिवाड़ी से हमें पूरा सहयोग मिलता है, सबसे ज़्यादा हमारे नीचाराम जी हैं, वो मेहनत करते हैं, यहाँ सामान इकट्ठा करते हैं और उस सामान को फिर हमारे हैंड ओवर करते हैं, ले जाओ सामान। आप अमरनाथ तीर्थ यात्रा में भंडारा जाया करते थे, कैसा क्या रुझान वहाँ पे रहता है तीर्थ यात्रियों का? शिव जो बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जो जाते हैं लोग बाग, बहुत ही ज़्यादा रुझान रहता है शिवलिंग के दर्शन करने का। और हम भंडारे में यात्रियों को रोकते हैं, खाना खिलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई होटल नहीं है, ना ही कोई वहाँ रहने के लिए जगह है, ये भंडारे वाले ही जो करते हैं यात्रियों के लिए करते हैं पूरा इंतजाम, रहने का, खाने का, सब कुछ। धन्यवाद। भिवाड़ी के UIT रेस्ट हाउस में SDM तिजारा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में भिवाड़ी में सड़क पर जलभराव और नालों की सफाई का जायजा लिया। बैठक में मौजूद सभी विभाग के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। मानसून के दस्तक देते ही भिवाड़ी में जलभराव और नालों की सफाई न होने से हर साल उत्पन्न होने वाली समस्या पर SDM तिजारा ने अधिकारियों की बैठक ली।
यूआईटी गेस्ट हाउस में अधिकारियों से एसडीएम सुरेश यादव ने जानकारी लेते हुए रिको और यूआईटी को संबंधित निर्देश दिए। एसडीएम ने न्यास विभाग को अपने क्षेत्र के सभी नालों की सफाई करने की हिदायत दी। एसडीएम ने बरसात की आड़ में कंपनियों की ओर से छोड़े जाने वाले गंदे पानी पर पाबंदी लगाने के भी निर्देश दिए। अगर कोई कंपनी आदेश की अवहेलना करती है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। अब देखना बाकी यह है कि क्या एसडीएम साहब की इस बैठक के बाद अधिकारी समस्या पर अमल करते हैं या फिर दोबारा बारिश होने पर भिवाड़ी में सड़कें समुद्र बनेंगी। परिवहन विभाग भिवाड़ी की ओर से नियमित चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के बाद दूसरे हफ्ते में भी 108 ओवरलोडिंग वाहनों के चालान काटे गए। परिवहन विभाग भिवाड़ी के द्वारा दूसरे हफ्ते में भी 108 ओवरलोड वाहनों के चालान काटे गए। परिवहन अधिकारी सुंदरलाल वर्मा ने बताया कि उन्होंने दूसरे हफ्ते में करीब 4,92,000 का राजस्व वसूला। बता दें कि पिछले हफ्ते के मुकाबले ये राजस्व कम है। पिछले हफ्ते 1 जून से 7 जून के बीच विभाग ने 10,92,110 रुपए का राजस्व वसूला था। परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा हर माह हमें जो है ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु, अवैध वाहनों के संचालन की रोकथाम हेतु कर की वसूली टारगेट प्राप्त करने के निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। इस माह भी जो है कि 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्रदान हुए हैं। मेरे उड़नदस्ते इस बारे में कार्रवाई करते हैं, प्रयास ये करते हैं कि जो कोई भी ओवरलोड वाहन का संचालन कम से कम हो। लेकिन क्योंकि भिवाड़ी की भौगोलिक स्थिति इस तरह से है, भिवाड़ी का जो हरियाणा सीमाओं से जो है कि स्थिति इस तरह से है कि यहाँ पर अनेक मार्ग जो है निकलते हैं, जैसा कि आपने बताया था बॉर्डर सीमा पे होने की वजह से हरियाणा और दिल्ली से जो है कि इस क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों का प्रचलन की मात्रा कम है, परंतु राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली में ओवरलोड वाहन जाने माल ले जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। राजस्थान में रॉ मटेरियल उत्पन्न होता है, रॉ मटेरियल में रोड़ी, गिट्टी, बजरी, मिट्टी, इस तरह की जो भवन निर्माण संबंधित सामग्री राजस्थान से हरियाणा दिल्ली सीमा यूपी तक जाता है। इन वाहनों पर रोक लगाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस समय अवधि में हमने 108 चालान बनाकर 4,92,000 रुपये की प्रसमन राशि की वसूली की है। कैसे आगे भी ये मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी? ये इस हेतु हम हमेशा सदैव तत्पर तैयार हैं। हमारी ड्यूटी है, चाहे अभियान के रूप में करें या वैसे करें, हर समय हमारी ड्यूटी दायित्व है कि हम इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। चौपान की पुलिस ने गत रात एक युवक को गश्त के दौरान 20 लीटर अवैध हथकड़ शराब के साथ गिरफ्तार किया। भिवाड़ी क्षेत्र में हथकड़ शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। भिवाड़ी के कई इलाकों में इस गोरख धंधे का बोलबाला है। पुलिस की ऐसी कार्रवाई से साफ मालूम पड़ता है कि पुलिस की सख्ताई के बाद भी इसमें लिप्त लोग धंधे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इस बार भी चौपान की पुलिस ने गश्त के दौरान भूल ली जाने वाली पक्की सड़क पर रात करीब 9 बजे बग्गा पुत्र मान सिंह जात राजसिक को कैन में करीब 20 लीटर हथकड़ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी चौपान के इलाके में शराब से भरी जरेकिन रखकर अवैध शराब बेचने जा रहा था, लेकिन वो इस जहर को बेच पाता उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। अलवर जिले के शाहजहाँपुर कस्बे में बिजली के ट्रांसफार्म के नीचे लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं। पेट भरने के लिए दुकानें लगाकर दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन बिजली विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दो वक्त की रोटी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, अब चाहे खतरा हो या फिर कुछ और, दो वक्त की रोटी के लिए इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बहरौड़ सहित जिले भर में दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में सैकड़ों लोग बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे अपनी दुकान चला रहे हैं। इन लोगों के सर पर मौत का साया हमेशा मंडराता रहता है, अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती है। जिले भर में बिजली के लगे खम्भों व ट्रांसफार्मरों के नीचे बेरोक टोक दर्जनों दुकानें और रेहड़ियां चल रही हैं, जो कभी भी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे सकती हैं। यह सब जानते हुए भी अपने परिवार का पेट पालने की खातिर लोग बैठने को विवश हैं। वहीं प्रशासन को इसकी खबर होने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बरसात के दिनों में हर वक्त खतरा रहता है, लेकिन फिर भी दुकानदार अपना पेट भरने के लिए अपनी मौत को दावत देते हुए मजबूरी बस यहाँ कार्य करने को विवश हैं।
विद्युत विभाग की लापरवाही से जगह जगह बिजली के बॉक्स खुले हैं जो दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। बिजली निगम के कर्मचारियों की जानकारी होने के बावजूद भी विद्युत विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि नीमराना क्षेत्र में पिछले 5 दिनों में हाई टेंशन बिजली लाइन टूटकर गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। बावजूद इसके विद्युत विभाग लापरवाह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। परिवहन विभाग ने दूसरे हफ्ते में वसूला 4,92,000 का कर, 160 वाहनों के काटे चालान। न्यास विभाग के रेस्ट हाउस में एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, मानसून पर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और हथकर शराब को बेचने जा रहे एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 लीटर अवैध शराब सहित युवक गिरफ्तार। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।